हरे कृष्णा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज आपको हम श्याम सुंदर प्रभु ने एक बुक लिखी है चेजिंग राइनोस विद स्वामी, उससे आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। जब श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंदा प्रभु, गुरुदास प्रभु विद फैमिलीज जब ये लोग लंदन शिफ्ट हुए, तो इनका गोल था कि हम इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं और उनको जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करेंगे, आगे बात बढ़ाएंगे। तो उस समय मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कौन है उधर? बीटल्स हैं, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन एक्सेट्रा। उस तक पहुँचे कैसे, ये सवाल था। तो काफ़ी दिनों तक भटकने के बाद में इनको एक ऐड दिखाई दी और उस ऐड के अंदर लिखा हुआ था कि जो एप्पल कंपनी है जो बीटल्स ओन करते थे, उन्होंने ऐड दी थी लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट। तो इन सारे डिवोटीज ने आनन फानन में एक 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके वहाँ पे एप्पल के ऑफिस में के सबमिट करने के लिए, वहाँ पे क्रिस ओडेल नामक एक लड़की थी रिसेप्शन पे, उसको उन्होंने सबमिट किया और सबमिट करके वापस वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे। वो उन्होंने सुना उसको और उन्होंने कहा देखो सुनने में ठीक लग रहा है, तो हम इसको आगे अपने टेक्निकल टीम पे देते हैं, देखते हैं भाई वहाँ से क्या फीडबैक आती है। ठीक है भाई, वापस आ गए। तो एक हफ्ते के बाद उनके पास चिट्ठी आई कि वी रिग्रेट, कि हमें अफसोस है, आपकी आपका टैलेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। वेलो के बात ख़त्म हो गई। अब कैसे जॉर्ज हैरिसन तक, बीटल्स तक पहुंचा जाए? बहुत दूर है बीटल्स, कहाँ डिवोटीज, कहाँ ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। किसी तरह से छोटे मोटे काम करके, कीर्तन इधर उधर करके अपना गुजारा कर रहे हैं और बीटल्स करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं वाले, तो कैसे उन तक पहुँचेंगे? तभी अचानक श्याम सुंदर प्रभु को फ़ोन आया लंदन एयरपोर्ट से, हीथ्रो एयरपोर्ट से। तो हेल्स एंजल नाम का वो था रॉक ग्रुप जो कि अमेरिका में इनके साथ कांटेक्ट में था, श्याम सुंदर प्रभु कारा के साथ में। तो उन्होंने बोला सैम्बो को, सैम्बो बोलते थे भैया हम लोग यहाँ पर आए एयरपोर्ट पे, तो तुम्हारे पास रहने की जगह है? तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला भैया अगर तुम फर्श पे सो सकते हो तो बिल्कुल है, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, आ जाओ। तो अच्छा तुम्हारे पास क्या कुछ सामान, कैसे लेके जाओगे हमें? तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं ले आता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास सामान ज़्यादा है फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं हमारे पास हैंड बैग्स ही हैं। ओके भाई मैं 1 घंटे में पहुँचता हूँ, हाँ हम वेट कर रहे हैं। श्याम सुंदर प्रभु गाड़ी लेके पहुंच गए रॉक बैंड को, उनको रिसीव किया, गाड़ी में भर के अपने टेंपल में ले आए जो उन्होंने टेम्परेरी बना रखा था, उनको प्रसाद वसाद खिलाया, वहाँ पे रहे। उनका सारा लगेज जो था वो एप्पल कंपनी के केयर में था, वो कि एप्पल कंपनी उसको छुड़वाएगी, और वो लोग जॉर्ज हैरिसन के साथ में टच में थे। तो ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे निकल गए उनको ऑर्गेनाइज़ करने में। तो एक दिन वो एक रॉक बैंड के व्यक्ति ने बोला कि भाई हम वो एक पार्टी है एप्पल की, हम तो वहाँ जा रहे हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा भाई मैं भी चलूँ क्या साथ? तो उसने कहा हाँ चल भाई, क्या हो गया, चल चलते हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु साथ में चल दिए और वहाँ पहुँचे, और जो हेल एंजल हैं ये लोग तो पहले अंदर घुस गए थे। श्याम सुंदर प्रभु डिवोटी वेशभूषा में थे, धोती कुर्ते के अंदर, वो अंदर घुसने लगे, रोक दिया पुलिस वाले ने, भाई कहाँ जा रहे हैं अंदर, यहीं पे रुक जा। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे इनवाइट किया हुआ है। कह रहा जा बच्चे निकल ले यहाँ से, मुझे पागल मत बना। साइड पर धकेल दिया श्याम सुंदर प्रभु को, रॉक बैंड के लोग अंदर चले गए। अब कैसे अंदर जाएं? तभी वहाँ पे जॉन लेनन की रॉयल्स रॉयस वाइट कलर की चमकती हुई आके रुकी।
और उसमें से उसकी पत्नी योको ओनो निकली बाहर। तो योको ओनो ने देखा श्याम सुंदर प्रभु को, बोला हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु ने बोला हरे कृष्णा। अच्छा तो तुम जॉर्ज हैरिसन के फ्रेंड हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ इनको आने दो भाई। अंदर पहुँच गया और अंदर पहुँच गया, चारों तरफ रश, सब लोग बिजी हैं, सब लोग मज़ा कर रहे हैं। श्याम सुंदर प्रभु एक कोने में बैठ कर जप कर रहे थे। तभी अचानक जॉर्ज हैरिसन अंदर घुसा कमरे में, उसने इधर उधर देखा क्या हो रहा है, तो उनकी नज़र श्याम सुंदर प्रभु को पड़ी। श्याम सुंदर प्रभु को बोला हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु हरे कृष्णा करे। जॉर्ज हैरिसन ने बोला अरे भाई तुम्हें ढूंढ रहा था मैं, क्या मैं तो यहीं पे हूँ, आ जाओ भैया। तो अब श्याम सुंदर प्रभु पहुँच गए जॉर्ज हैरिसन के कॉन्टैक्ट में। अब जॉर्ज हैरिसन के साथ में वो जो संपर्क है, कई देर तक चलता रहा वो संपर्क। और जब श्रील प्रभुपाद लंदन आए इस घटना के करीब एक साल बाद, जब सारे भक्तों ने सेवन बरी प्लेस में मंदिर की स्थापना कर ली थी, तो श्रील प्रभुपाद को वहाँ पे इनवाइट किया था। और श्रील प्रभुपाद उस समय कुछ महीने रहे लंदन में, और उस दौरान श्रील प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को कृष्णा बुक दिखाई, मैन्यूस्क्रिप्ट और फोटोज़ दिखाई जो कि डिवोटीज़ ने बनाई थी। और श्रील प्रभुपाद ने बोला मैं बुक छापना चाहता हूँ, आप जॉर्ज हैरिसन को बोलो मेरी हेल्प करें। श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास प्रभु, मुकुंदा प्रभु, इनका एक अनरिटर्न रूल था कि वी विल नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम जॉर्ज, हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे, हम उसको देंगे। वो इतना इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, पूरी दुनिया उससे मांग रही है, लेकिन हम एक एक्सेप्शन, एक अपवाद बन कर चलेंगे, हम केवल उसकी हेल्प करेंगे, उससे लेंगे नहीं कभी हेल्प। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भाई $19,000 का खर्चा है इसको छापने में, तुम जरा बात करो। श्याम सुंदर प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को बोला श्रील प्रभुपाद मेरे को बहुत हिचक, मैं बहुत संकोच हो रहा है मुझे उनसे बात करने के लिए, क्योंकि हमने आज तक कभी उससे कुछ मांगा नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को संकोच आ गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं उसी संकोच के कारण महाराज युधिष्ठिर का रथ जो जमीन को छूता नहीं था, जमीन को छूना शुरू कर दिया उसके पहियों ने, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करने में संकोच कर दिया महाराज युधिष्ठिर ने। तो यही विचार श्याम सुंदर प्रभु के मन में भी आ रहा था, लेकिन फिर श्याम सुंदर प्रभु ने सोचा कि गुरु की आज्ञा, हमारे जितने भी हमारे हमने प्रिंसिपल्स बनाए हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला तुम चिंता मत करो, मेरे पे ब्लेम लगा देना कि वो स्वामी जी इंसिस्ट कर रहे हैं, वो जोर डाल रहे हैं कि भैया तुम स्पॉन्सर कर दो। तो श्याम सुंदर प्रभु गए जॉर्ज हैरिसन से मिलने, और जॉर्ज हैरिसन से मिले, उनको सारी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई, और हर फोटो के पीछे जो भगवान के पास टाइम्स है वो एक्सप्लेन किए। जॉर्ज हैरिसन बहुत इम्प्रेस हुआ। और फिर श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि इसको छापने का खर्चा $19,000 है, कैन यू प्लीज़ स्पॉन्सर दैट। जॉर्ज हैरिसन को अचानक एक झटका सा लगा, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इससे पहले वो कुछ बोल पाता, अचानक लाइट चली गई, ब्लैक आउट हो गया कंप्लीट, बाहर बिजलियाँ कौंध रही हैं, तूफान चलना शुरू हो गया, अचानक तूफान शांत हो गया, लाइट आ गई कुछ क्षणों के अंदर ही। तो जॉर्ज हैरिसन पे इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो जॉर्ज हैरिसन ने बोला वेल ये सब कृष्णा ने किया है, तो आप बोल दीजिए स्वामी जी को कि मैं ये बुक छापने के इसको मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वेल रात के 12 बज गए वापस आने में श्याम सुंदर प्रभु को, लेकिन जब श्याम सुंदर प्रभु वापस आए तो उन्होंने देखा प्रभुपाद क्वार्टर्स में टाइटन हर्स्ट में रुके हुए थे जॉन लेनन के वहाँ पर।
तो उसने देखा श्याम सुंदर प्रभु ने कि प्रभुपाद क्वार्टर्स की जो लाइट अभी जल रही है। तो श्याम सुंदर प्रभु गए, 12:30 का टाइम था रात का। उन्होंने दरवाजे पे हल्का सा नॉक किया और श्रील प्रभुपाद ने बोला, हाँ मैं जाग रहा हूँ, अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी। तो श्याम सुंदर प्रभु अंदर गए, तो अंदर जाके बोला श्रील प्रभुपाद, बाय योर ब्लेसिंग्स जो है जॉर्ज हैरिसन ने वो बुक छापने के लिए स्पॉन्सर करना एक्सेप्ट कर लिया। तो श्रील प्रभुपाद ये सुन के बहुत खुश हुए। अब इवेंचुअली श्रील प्रभुपाद अमेरिका वापस चले गए और श्रील प्रभुपाद ने बोला, वहाँ से चिट्ठी लिखी श्याम सुंदर प्रभु को कि ये जो बुक है कृष्णा बुक, अगर इसमें फॉरवर्ड अगर जॉर्ज हैरिसन लिख दे तो मतलब इस बुक को सेल करने में, इसको आगे एडवर्टाइज करने में हमें इजी हो जाएगा, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। तो श्याम सुंदर प्रभु गए जॉर्ज हैरिसन के पास में। उस समय तक श्याम सुंदर प्रभु, जॉर्ज हैरिसन ने एक 50 एकड़ का फॉर्म ख़रीदा था, काफ़ी ख़राब हालत में था वो, और वो फॉर्म के अंदर जॉर्ज हैरिसन ने बोला था, तुम सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ भाई, और इसको साफ़ सफाई करने में, पेंट वेंट करने में मेरी हेल्प कर दो। तो श्याम सुंदर प्रभु श्रील प्रभुपाद से पूछ के वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो वो लोग वहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहे थे और मेन बिल्डिंग में जॉर्ज हैरिसन अपनी वाइफ पैटी के साथ रह रहा था। तो श्याम सुंदर प्रभु ने जॉर्ज हैरिसन को बोला कि भी ऐसे आप एक वो लिख दो फॉरवर्ड फॉर कृष्णा बुक। जॉर्ज हैरिसन ने बोला, भाई मैं नहीं ये काम करता, मेरे बस की नहीं है। अब प्रभुपाद की इच्छा को पूरी भी करना था, तो श्याम सुंदर प्रभु ने जॉर्ज हैरिसन को बोला, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ मैं लिख देता हूँ और आप उसको अप्रूव कर देना, तो हम भेज देंगे उसको आप अंडर योर नेम। तो जॉर्ज हैरिसन ने बोला, ओके फाइन लिख दो। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कृष्णा बुक का फॉरवर्ड लिखा और जब जॉर्ज हैरिसन को दिखाया, उसको पसंद नहीं आया, उसने उसमें 1,000 चेंजेस कर दिए। तो श्याम सुंदर प्रभु ने दोबारा उसको रीराइट किया उन चेंजेस के साथ में, जॉर्ज हैरिसन ने फिर उसमें 1,000 चेंजेस कर दिए। ऐसे करते 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 इवेंचुअली एक ड्राफ्ट तैयार हो गया जो जॉर्ज हैरिसन को पसंद था। श्याम सुंदर प्रभु भी ओके थे, कोई फिलोसफिकल प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। श्याम सुंदर प्रभु ने वो ड्राफ्ट जो है वो श्रील प्रभुपाद को भेज दिया कि ये जो है अप्रूव कर दिया इसने, जॉर्ज हैरिसन ने। अब वो भेजा, अगले दिन जॉर्ज हैरिसन आ गए वहाँ पे। जॉर्ज हैरिसन ने बोला कि भाई देखो, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है, मेरे को ये बात जो है ना, ये इसमें मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ फॉरवर्ड में। अच्छा भाई, क्या चेंज करना चाहते हो? तो जॉर्ज हैरिसन ने बोला कि भाई मैं इसमें विवेकानंद का एक कोट डालना चाहता हूँ। श्याम सुंदर प्रभु का दिमाग ठनक गया, विवेकानंद का कोट? मैं इसमें लिखना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को क्या अधिकार है ये बोलने का कि वो एक आत्मा है जब तक उसने उसका अनुभव नहीं किया, और किसी व्यक्ति को क्या अधिकार है ये बोलने का कि भगवान है जब तक उसने उनको देखा नहीं। तो जॉर्ज हैरिसन ने बोला, मैं ये जो कोटेशन है स्वामी विवेकानंद की, इसको मैं उसमें डालना चाहता हूँ। 11 अप्रैल 1970 को श्याम सुंदर प्रभु ने वो कोटेशन श्रील प्रभुपाद को भेजी और लिखा कि मुझे बहुत अफसोस है आपको ये लिखते हुए, लेकिन अब जॉर्ज हैरिसन जोर डाल रहा है, मैं क्या करूँ, आप बताओ इसका क्या हो सकता है। श्रील प्रभुपाद ने बोला, भाई तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हें अफसोस है, अब जिस चीज़ के लिए तुम्हें खुद ही अफसोस हो रहा है, तुम सोचो कि मैं क्या करूँगा उसके ऊपर, तो मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये विवेकानंद का कोट डालने की क्या ज़रूरत है, उसको ना आत्मा के बारे में कुछ जानकारी, ना कोई स्पिरिचुअल नॉलेज है, मतलब कैसे उसको मैं छाप दूँ, ये छापना मुश्किल है। श्याम सुंदर प्रभु फंस गए। श्याम सुंदर प्रभु ने बहुत कोशिश की उसको एक्सप्लेन करने की, बहुत कोशिश की समझाने की, वो समझ के नहीं दे रहा। जॉर्ज हैरिसन, नहीं भैया वो कोट तो ढलेगा। श्रील प्रभुपाद से श्याम सुंदर प्रभु ने पूछा, मैं क्या करूँ, वो समझ ही नहीं रहा।
शिला प्रभुपाद ने बोला, भाई फिर तो हम इसके कोट के, इसके फोरवर्ड के बिना ही हम किताब प्रिंट करके ख़त्म करते हैं। फिर अब दोनों तरफ से फंस गए श्याम सुंदर प्रभु। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु ने बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया ढूंढा, और श्याम सुंदर प्रभु ने जॉर्ज हैरिसन के साथ बैठे थे ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला, अच्छा जॉर्ज, अगर सपोज़ तुमने एक बुक लिखी हो और उस बुक में तुम अपने जो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है जैसे पॉल मैकार्टनी है, अगर तुम उसको ग्लोरीफाई करो तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो जॉर्ज ने बोला, नहीं अच्छा नहीं लगेगा भाई मेरे को, उसको क्यों ग्लोरीफाई करूँगा मैं अपनी बुक में। तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा, फिर प्रभुपाद की बुक में तुम विवेकानंद को ग्लोरीफाई क्यों करना चाहते हो उसकी कोटेशन डाल के? तो जॉर्ज ने बोला, ठीक है मैं समझ गया मैं तुम्हारी बात, ठीक है उसको वैसे छाप दो। तो ये जो फॉरवर्ड है जॉर्ज हैरिसन का, ये कृष्णा बुक में इवेंचुअली छपा और आप सब लोगों को आज उपलब्ध है। लेकिन इसको इसको छपने के पीछे जो हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु की जो मेहनत है, जो उन्होंने इतना सेक्रीफाइसेस किए, इतना मैनेज किया जॉर्ज हैरिसन को, वो अमेजिंग है। उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए इस बात को। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।